वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, इतने दिन बाद ना आज मुझे गर्माहट का फील हो रहा है। कैन लिटरली फील जो सन का, जो धूप में जब जाते हैं तो गर्मी फील होता है ना, वो आज फील हो रहा है। ये देखो भाई, धूप, मेरे बाल अजब से हो गया, अवॉइड करना इसको। बाकी भाई साहब, रोड पे एज यूजुअल ज़्यादा कोई लोग नहीं है, दोपहर हो चुका है ना, धूप ज़्यादा है तो लोग नहीं है रोड। भाई न जाने कितने दिनों बाद ना आज मेरे पसीने छूट रहे हैं, बट बढ़िया है। से मौसम चेंज एंड बारिश हो रखा है हल्का से। तो गैस, आज का दिन अच्छा खासा बहुत ही फास्ट गया। रिकॉर्ड हो रहा है, कभी कभी ना भूल जाते हैं हम लोग रिकॉर्ड क्लिक करना। तो बट हाँ, अच्छा लगा यार ऑफिस में फुल डे बैठ करके काम करने से ना, बॉडी अब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पे आ गई है। वैसे हम अब जस्ट अबाउट टू एंड अप एंड एफ वाई टाइम रात के 8:30 बज चुके हैं। हाँ, मैंने दिन भर कुछ नहीं किया, सुबह का क्लाइमेट देखा, एकदम वार्म सा हॉट सा था क्लाइमेट, एंड दोपहर के बाद में एकदम चिल्ड आउट वेदर हो गया, और उसी के साथ में काम वूम वगैरह चलते रहा। ज़्यादा कुछ नहीं है, एनर्जी अब एग्जॉस्टेड है, तो देखते हैं थोड़ा बहुत और काम बचा है, इसको अपलोड करके ना थोड़ी देर में मैं बस निकल जाऊँगा। अरे यार, कहाँ गया स्विच? देखो यार, कभी कभी क्या होता है पता है, आप चीज़ों में बिजी रहते हैं। ओ भाई साहब, गिरने वाला था परफ्यूम का पूरा बोतल ही। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ, हाँ कहीं तो रख दिया आज ना, एक पैकेज पे एक भाई साहब एक गजब का स्मार्ट वॉच आया है एक ब्रांड की तरफ से। भाई साहब अजब है, इसका प्राइसिंग कुछ 600 रुपये भाई साहब, मतलब मैं शॉक हो गया, 600 रुपये में स्मार्ट वॉच वगैरह निकल रहा है। बट हाँ, अभी तो टाइम नहीं है उसको कुछ करने के लिए, बॉक्स ऐसे रखा हुआ, कल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने भी उसने बस देखा, ऑन किया, रख दिया, बस बाद में उसको ना आराम से देखूंगा, पहले चीज़ें वगैरह ख़त्म हो जाए। बाकी ना मुझे ना एक यार बोल्ट का जाकर के एक नया TWS लॉन्च हुआ, एकदम स्पेसशिप स्टाइल का, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। कल एक वीडियो में मैं देख रहा था, भाई साहब प्रोडक्ट दिखने में तगड़ा है, अब साउंड क्वालिटी वगैरह कैसा है, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड कि मैं टेस्ट करूं बोट के प्रोडक्ट। सीरियसली बोट का नाम अच्छा खासा सुना है, तो बोट के प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ ट्राई करूँ। 8:30 हो गए भाई साहब, हो गया ये, एंड आई जस्ट वाइंड अप गाइस, एंड देखते हैं, बहुत दिन के बाद में चीज़ें वगैरह नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ यार, इस दौरान ना भाई साहब ये कितनों को याद है, पुराने देखे हुए तो अभी भी इतने चॉकलेट्स बचे हुए हैं। भाई साहब इसका जो कहना है ना ब्रांड का, आई डोंट नो यार, कुछ मुझे तो कुछ भी रिजल्ट मुझे तो नहीं दिखा भाई। आप लोगों को दिखा तो बता देना, एक महीने से देख रहे हो तो, अगर एक या आई थिंक 2 महीने से, बीच में तो अभी आई थिंक लास्ट 2 वीक से एक भी मैंने टेस्ट ही नहीं करा, इसको खाया ही नहीं। बाकी जिन्होंने पहले वाला व्लॉग देखा होगा ना, पता होगा क्या चीज़ है ये। वैसे टेस्ट एक ठीक ठाक है, जेली टाइप का है, एकदम चॉकलेट जैसा फ्लेवर दे देता है, वैसा चल रहा है। अच्छा यार, आज ना मैं कंपेयर कर रहा था एक्चुअली आईफोन्स के ऊपर, भाई साहब 1 TB वाला जो 15 Pro Max है, US के अंदर में 1,23,000 का मिल रहा है, नहीं 1,33,000 का मिल रहा है, दुबई के अंदर में 1,53,000 के अंदर में मिल रहा है, एंड इंडिया में वही चीज़ 2,00,000 का मिल रहा है। उस पर एक ना अच्छा खासा डिबेट भी हुआ, बट अब ये तो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, बट एक्चुअल में हमारे जानकार जाकर के आईफोन 14 और 15 लेके आ रहे हैं दुबई से, तो इस वीकेंड में आ जाएगा, तो एक्चुअल में हमें जो है ना असलियत वाला बात पता चलेगा। अब जो चीज़ भी इंटरनेट पे, वीडियोस पे या फिर यू नो आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ता हूँ, तो एक्चुअल में क्या वो सच होते हैं, तो ये रियलिटी पता चल जाएगी, मतलब प्रूफ के साथ में हमारे पास रहेगा इन्फॉर्मेशन, तो ये है, तो मज़ा आएगा। बाकी चलो यार, ऐसे बात करता रहूँगा ना, लंबी चौड़ी बात ही चलता रहेगा, मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, एंड मुझे जल्दी से पैक करके निकलना भी है। मौसम अच्छा हो के रखा है, हल्का सा ड्रिजलिंग वगैरह है, वार्म क्लॉथ मेरे पास है, पुलओवर कैरी कर लिया था, आराम से पहन कर जाऊँगा, भीगना नहीं है, एंड बीमार तो बिल्कुल नहीं होना है।
यार मेरे आंख में ना जो राइट साइड यानी मेरे जो राइट साइड वाला आंख है ना इसके अंदर में ना, अरे यार इसको बंद कर। कलर्स अच्छे आ रहे हैं, एमोलेड है, पंची कलर्स है, वाइट वाइन एल1 भी मिल जाता है, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे एचडीआर का सपोर्ट भी। तो ये आंख के अंदर ना कुछ तो चला गया यार, मुझे ना ये पोर्शन में ना हल्का सा कुछ तो फील हो रहा है कि अंदर में गिरा हुआ है, देखना पड़ेगा। मैं सोचा निकल जाऊंगा, देखा तो ये हो गया भाई। रुको, मिरर मैंने ना बहुत चेक करके देखा बट कुडंट फाइंड एनीथिंग यार, कुछ भी नहीं था, बट दिखने में तो नहीं लगा। बट मैं ना जैसे आंख बंद करता हूँ ना मुझे फील होता है कुछ तो वहाँ अटक रहा है, और दर्द वगैरह तो नहीं कर रहा बट हाँ हल्का सा एक अजब सा फील हो रहा है कि यार कुछ तो है यार आँख के अंदर। चलो घर जा करके इसको ना वॉश करेंगे, कैसे मैनेज हो रहा है यार। लैपटॉप में लैपटॉप को स्लीप मोड पे डालते हैं। अच्छा आप लोग कितने लोग अपने लैपटॉप्स को स्लीप मोड पे डालते हो बताओ। पता नहीं, मैंने कुछ तो अभी किया एडिटिंग के टाइम में, अगर अच्छा चला होगा तो बता देना, एडिटिंग में करने के बाद ही पता चलेगा ऐसा कुछ काम करता है। सब निकलते हैं चलो। तो गाइस फाइनली यार घर पे मस्त से डिनर विनर किया, और जो आँख पे तो कुछ पड़ा था नहीं, अभी भी हल्का हल्का इरिटेशन फील हो रहा है मुझे, एंड मैंने साफ उफ किया बट आई डोंट नो यार, पता नहीं एक कॉर्नर देख रहे हो ना यहाँ पे ना कुछ तो इरिटेशन फील हो रहा है। आई थिंक कुछ बहुत माइन्यूट पार्टिकल कुछ तो होगा, या फिर स्किन रैश हो गया होगा, हो सकता है कि स्किन रैश, क्योंकि पानी वानी डालने पे भी कुछ निकला नहीं, तो अभी के लिए उतना ज़्यादा कुछ नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। वाई यस मैंने तो मस्त डिनर विनर कर लिया, और मैं न्यूज़ एक्चुअली देख रहा था, मैंने अचानक से ये न्यूज़ मैं डिनर करके बैठा था, ये मुझे सामने आया। न्यूज़ क्लिक एक न्यूज़ वेबसाइट एजेंसी है जो कि क्या बोलते हैं ये लोग जो है ना क्या बोलते हैं यार इनको एग्जैक्टली, देखो टर्म तो मुझे याद नहीं है, ये लोग मतलब स्टैंड अलोन न्यूज़ है, मतलब ये क्या मतलब यार मैं इतना अटक क्यों रहा हूँ मतलब इनको कोई भी बड़ी कंपनियां वगैरह नहीं चलाती हैं, जो भी इनके फंडिंग वगैरह रहते हैं और जो भी इनका न्यूज़ वगैरह रहता है इन जनरल पब्लिक के लिए रहता है। एंड आई थिंक ये 2009 या 11 आई थिंक समथिंग में, पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ कि एग्जैक्टली कब से बना था, बट हाँ ओवरऑल यही कि, और ये मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो है ना लेफ्ट विलिंग वाले न्यूज़ वगैरह पोस्ट करते थे, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स गवर्नमेंट को करंट बीजेपी गवर्नमेंट को सवाल वगैरह बहुत ही करते हैं, एंड बहुत ही हार्श सवाल वगैरह करते हैं जो कि नॉर्मल न्यूज़ मीडिया वगैरह करते हैं। बट देन अचानक से इनके ऑफिस को सीज कर दिया गया, फिर मैंने इनके चैनल पे जा करके विजिट करा, जो दिखाता हूँ। रुको देखो जैसे ये है, अब न्यूज़ क्लिक के अगर मेन चैनल पे जाते हैं देखो, और इनका लास्ट वीडियो पोस्ट देखते हैं, तो भाई साहब ये जो है ना लास्ट 2 डेज बैक का ही वीडियो दिखाता है, ये देख रहे हो 2 डेज बैक, लेटेस्ट वीडियो है ही नहीं, तो यानी आज का डेट है 4th of अक्टूबर एंड ये 3rd of अक्टूबर को ऐसा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये गवर्नमेंट को ज़्यादा सवाल करते हैं जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार करा गया, बट वहीं इनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि भाई क्यों इनको मतलब पकड़ा गया है, इनके ऑफिसर्स को सीज कर दिया गया है, कुछ इनके एम्प्लॉयज़ को फाउंडर्स को HR टीम जो काम करते थे बहुत लोगों को अरेस्ट वगैरह किया गया है, एंड इट्स ऑल दे आर क्वेश्चनिंग, एंड उनके डिवाइसेस वगैरह को सीज वगैरह कर दिया गया। तो यार बात तो थोड़ी गंभीर लग रही है यहाँ पे, और सुनने में आया कि गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस ये है इनके ऊपर कि ये लोग जो है ना एंटी टेररिस्ट वाले काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर UAPA केस के मतलब कानून या फिर थिंग को लेकर के उसको आधारित बना करके इनके ऊपर केस फाइल वगैरह किया गया, जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ वगैरह कर ही रहे, और आज का डेट 4th यानी 2 दिन से इनसे बातचीत वगैरह चल रहा है, और एलिगेशन ये है कि भाई इनको चाइना सपोर्ट कर रहा है इंडिया में प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाने के लिए। बट आई डोंट नो यार, इट्स लाइक प्रिटी कंफ्यूजिंग, मतलब आजकल मल्टीपल न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं,
और जो लोग भी मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, अपोजिट करते हैं, वो लोग बहुत जल्दी अंदर चले जाते हैं। एंड जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह यू नो गवर्नमेंट का हमेशा अच्छा बोलते हैं, वो लोग मस्त खुश रहते हैं। ऐसा चल रहा है, मतलब ये देखने को मिल रहा है। बाकी यार वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ अभी, तो जस्ट मुझे मिला एक दो तीन वीडियो देखा और यही सभी चीज़ आ रहा है। बाकी यार आप लोगों को बताओ यार क्या सीन है, एक्चुअली क्या एक्चुअली में चल रहा है यार। ऐसा होता रहा तो भाई टफ लग रहा है। अगर हाँ, बट अगर रियल में ही चाइना प्रोपोगंडा वगैरह इंडिया में चल रहा है तो वो तो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। बट वो नहीं हो रहा है, कुछ और की वजह से इन्हें उनको पकड़ा गया है, तो देन जानने की ज़रूरत है, रियलिटी आना चाहिए कि क्या है। सॉरी यार खुजा रहा हूँ, मुझे ना यहाँ पे ना अजब से खुजली वगैरह लग रहा है। बट हाँ ये सब देखा ना तो मुझे लगा कि यार हाँ ये चीज़ के बारे में थोड़ा बात करना चाहिए, एक्चुअली सीन क्या है करके। तो यार देखो आई डोंट नो आपकी उम्र वगैरह क्या है, जो भी उम्र वगैरह हो, बट न्यूज़ वगैरह अगर देखते हो, समझते हो, यू नो थोड़े पॉलिटिक्स, थोड़े यू नो जियो पॉलिटिक्स चीज़ें वगैरह में इंटरेस्टेड हो और आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो, तो यार प्लीज़ अपना ज्ञान नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पढ़ूंगा। बाकी आपको कहाँ तक सही लगता है कि मतलब इन सभी केस को डाल करके इनको पकड़ा जाता है, टेरर लॉ वगैरह है, UAPS के बारे में मैंने सुना, और पास में मैंने ये भी सुना था कि बहुत सारे और भी जर्नलिस्ट वगैरह जो यू नो फ्री में रह करके मतलब न्यूज़ वगैरह रिपोर्ट करते हैं, फ्री न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, कोई यू नो बड़े एंटिटी चैनल के साथ में काम नहीं करते हैं, उनके यू नो अगेंस्ट में बहुत सारे एलिगेशंस लगे, बहुत लोग तो जेल में ऑलरेडी हैं। तो ऐसे सभी सीन चल रहा है। आई मीन लाइक इट्स रियली टफ टफ थिंग गोइंग ऑन इन इंडिया। तो बताओ यार आप लोगों का क्या है राय, मुझे भी थोड़ा जानना है। एंड बाकी मैं फॉलो करता हूँ इस न्यूज़ को, देखता हूँ कि भाई और सभी क्या क्या सीन चल रहा है करके। एंड पता हूँ इसी पर्टिकुलर यू नो वन ऑफ द रीज़न की वजह से मेरा जो एक और चैनल है जिसपे मोस्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो मुझे थोड़ा टेंशन होता है वहाँ पे यू नो टॉपिक को डालने में, ऐसे सभी सीन देख करके भाई साहब कसम से। अब मैं भी देखो आम इंसान हूँ, मैं कोई यार बहुत बड़ा इंसान तो नहीं, तो हल्का फुल्का लगता है ना भाई, टेंशन तो होता ही नहीं है। और इसी वजह से ना वहाँ पे मैं कंटेंट वगैरह भी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पूरे ऑडियंस जो है ना जियो पॉलिटिक्स के बारे में सुनने वाले ऑडियंस है। बट आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल गो अराउंड, बट ये फ्यूचर मतलब ये जो अभी न्यूज़ वगैरह जो सामने आया है इसका क्या सीन है भाई, मुझे जानना है, आप लोग भी बताना क्या सीन है। बाकी अभी तो अब मैं बस यार सोने उने जा रहा हूँ, रात के 11 बजकर नींद भी आ रही है, आज पूरा अच्छा दिन भी गया मेरा। एंड ये सभी सीन था, सॉरी मैं थोड़ा बोर कर दिया, थोड़ा स्लो भी बात कर रहा हूँ, बट दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना या फिर कमेंट जरूर करना जो भी टॉपिक्स वगैरह है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले व्लॉग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।